सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू मासूम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9, 10, 11 एंड 12 सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेबा बोर्ड एंड AHSSC बोर्ड दोनों के लिए ही रेलिवेंट है। तो अगर आप भी इसी बोर्ड में से हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और पूरे एंड तक देखें, एंड इसके सॉल्यूशंस आप कमेंट कर सकते हैं एंड माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, आई सफर सिंस लास्ट मंथ। जब भी ये सिंस आपको दिख जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस होने वाला है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा आई हैव बिन सफरिंग सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट नंबर 2, व्हेन ही केम यस्टरडे आई रीड ए नोवेल, मतलब जब वो पिछले दिन मेरे घर पे आया तब मैं नोवेल पढ़ रहा था। जब वो आया तब मैं नोवेल पढ़ रहा था, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। तो जब वो आया मैं नोवेल पढ़ रहा था, तो व्हेन ही केम यस्टरडे आई वाज रीडिंग ए नोवेल। अगर आपने भी यही सोचा है तो वेरी नाइस। व्हेन ही केम यस्टरडे आई वाज रीडिंग अ नोवेल। ये जो वैन अगर दिख जाए तो बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में वैन के साथ में बहुत बार कंटिन्यूअस टेंस ही होता है, तो इसलिए व्हेन ही केम ये पास्ट है, व्हेन ही केम यस्टरडे आई वाज रीडिंग ए नोवेल। नेक्स्ट नंबर 3 है, द चाइल्ड क्राई बिकॉज इट इज हंग्री, जो बच्चा है वो रो रहा है क्योंकि वो भूखा है, तो वो रो रहा है इसलिए ये भी कंटिन्यूअस टेंस। द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पर द चाइल्ड वॉज नहीं होगा, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। यहाँ पर इज है ना, इसलिए हम लोगों को भी द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। नेक्स्ट नंबर 4 है, ही स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न, ही स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। तो वो यहाँ पर रहेगा जब तक तुम आ ना जाओ, रिटर्न ना हो जाओ तब तक वो यहीं पर रहेगा। तो ये होगा ही विल स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। नेक्स्ट नंबर 5 है, इफ ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इसका आंसर होगा इफ ही केम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ ही केम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नंबर 6 है, द बॉय जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट मूव। तो ये वाला जो है, ये वाला आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 है, इफ आई हैव टाइम आई शैल विजिट द एग्जीबिशन। तो इसका आंसर होगा इफ आई हैड टाइम आई शैल विजिट द एग्जीबिशन। नेक्स्ट है नंबर 8, ही डू दिस वर्क सिंस मंडे लास्ट। फिर से अगेन हम लोग को सिंस मिल गया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ही हैज बिन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे लास्ट। नेक्स्ट है, आई विश आई बी देयर। तो इसका क्या होगा, आई विश आई वेयर ओके। नेक्स्ट नंबर 10 है, इफ इट रेन आई शैल नॉट गो आउट। आई होप आप भी सब करेक्ट आंसर दे रहे हैं, और ये लास्ट नंबर 10 है, तो इसका होगा इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट। सो दोस्तों, आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस का करेक्ट जवाब दिया आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।